हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। और ये अन अकेडमी का एक ऑफिशियल पार्टनर चैनल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग रैंक्स की इन द अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि आपका एग्जाम सिर्फ 10 दिन दूर है और कई सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स आपके अंदर दिमाग के अंदर है रैंक्स को लेके। कई सारी किताबों में पुराना डेटा दिया गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेटेड डेटा है आज तक का, उस अपडेटेड डेटा को हम लोग कवर करेंगे कि किस सेक्टर में मध्य प्रदेश की क्या रैंक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोयाबीन प्रोडक्शन के अंदर, सोयाबीन उत्पादन में। तो सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है रैंक 1 है देश के अंदर। सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर आपको होता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंदर। फिर वीट प्रोडक्शन के अंदर या गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, इसके पहले मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में थर्ड नंबर पे था, अब मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आ चुका है। कुछ किताबों में फर्स्ट लिखा है लेकिन वो गलत है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है अकॉर्डिंग टू आपका गवर्नमेंट के पॉकेट बुक के अकॉर्डिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार करने की जो सहूलियत है उसकी रैंकिंग में मध्य प्रदेश जो है इट रैंक 4th। ज्वार प्रोडक्शन के अंदर या ज्वार के उत्पादन के अंदर मध्य प्रदेश जो है वो 5वें नंबर पर है। ग्राम प्रोडक्शन या आपके चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश पहले चौथे नंबर पे था, अब तीसरे नंबर पे आ चुका है। जबकि पल्स प्रोडक्शन या दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश इस साल तीसरे नंबर पे है। याद रखिएगा, लास्ट 3-4 साल से मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे था, पहले स्थान पे था आपके पल्स उत्पादन को लेके। जबकि मेज या फिर आपका मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है रैंक सेकंड है, काफी समय से सेकंड नंबर पर ही मध्य प्रदेश है। जबकि कॉटन के उत्पादन में या आपका जो कपास है उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश रैंक 4th है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स आप याद रखिएगा। उसी के साथ ऑयल सीड या तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश इट्स अगेन ऑन द 3। पहले मध्य प्रदेश इसके अंदर भी पहले नंबर पे हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर भी मध्य प्रदेश अब फर्स्ट नंबर से चेंज होकर थर्ड नंबर पर आ चुका है। ग्राउंडनट प्रोडक्शन या आपके मूंगफली के उत्पादन में मध्य प्रदेश पिछले साल 6ठे नंबर पे था, इस बार मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में 4थे नंबर पे है। कोल प्रोडक्शन के अंदर मध्य प्रदेश लगातार पिछले कुछ सालों से 4थे नंबर पर आपको बना हुआ है। फॉरेस्ट कवर या फिर आपका वन क्षेत्र के कवर के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 है काफी लंबे समय से। और देश के अंदर सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर बात करें, क्षेत्र वाइज अगर फॉरेस्ट है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बैम्बू प्रोडक्शन या बांस के उत्पादन में मध्य प्रदेश रैंक 2nd, जबकि आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। तेंदू पत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। और दूध उत्पादन में या मिल्क प्रोडक्शन के अंदर मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। ये मैं सिर्फ ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन की, तो कुल मिल्क उत्पादन की यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ। साथ ही कॉपर रिजर्व के अंदर या कॉपर या फिर आपका जो तांबा है उसके भंडारण के अंदर या उसका कितना रिजर्व हमारे पास में है, तो याद रखिएगा रिजर्व में हम तीसरे नंबर पे हैं, राजस्थान पहले नंबर पे, झारखंड दूसरे नंबर पे, जबकि उत्पादन के अंदर हम पहले नंबर पे हैं। उत्पादन और रिजर्व में आपको अंतर शायद पता होगा। प्रोडक्शन मतलब कितना उत्पादित हम उसको खनन करके कितना बेच रहे हैं वो प्रोडक्शन होगा, और कितना हमारे पास भंडारण है वो तीसरा नंबर पे आपको होगा, उसको रिजर्व बोला जाता है। लाइमस्टोन प्रोडक्शन या फिर आपका आपकी जो चूना उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, राजस्थान पहले नंबर पे है। और डोलोमाइट के उत्पादन में वी आर ऑन द नंबर 1। स्टेट रैंकिंग स्वच्छ भारत अभियान में ओवरऑल अगर रैंकिंग देखी जाए तो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, जबकि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर मध्य प्रदेश 13वें नंबर पे है, पहले नंबर पे कर्नाटक है। ये जो इनोवेशन इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा उसको यहाँ पे जारी किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश का जो स्थान था वो 62वां स्थान था इन द खेलो इंडिया 2020 के अंदर, ठीक है। फिर SDG इंडिया इंडेक्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019-20, इस रैंक के अंदर भारत 62वें नंबर पे है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत पोषणीय विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए नीति आयोग का ये एक इंडेक्स है, जिसमें मध्य प्रदेश जो है वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है, 62 पॉइंट है। और परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर मध्य प्रदेश इसके अंदर है। फिर गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर 2019 का जो भारत सरकार ने जारी किया है सुशासन इंडेक्स, अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इनमें से एग्रीकल्चर और अलाइड कैटेगरी कृषि और उससे संबंधित जो उत्पादन है उसके अंदर मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे है। बाकी अलग अलग सेक्टर्स में और भी कई सारे अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जबकि एनीमिया फ्री इंडेक्स के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मध्य प्रदेश के अंदर एनीमिया जो है वो काफी ज्यादा केसेस मध्य प्रदेश में काफी कम है, तो उसके उत्पादन उसके एनीमिया फ्री इंडेक्स के अंदर मध्य प्रदेश रैंक नंबर 1। तो ये कुछ मध्य प्रदेश की रैंक है जो अभी के समय में लेटेस्ट आज की तारीख में ये इंडेक्स है। आप एग्जाम में
इनको आंख बंद करके इन इंडेक्स का यूज वहां पर आपको कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ अन अकेडमी पे मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं, अभी प्री के तो लगभग कोर्सेज खत्म हो चुके हैं, बच्चे रिविजन कर रहे हैं, और अभी प्री के जस्ट बाद पेपर नंबर 1, 2 और 3 की जो क्लासेस हैं मेंस की फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ ही आंसर राइटिंग भी उसके अंदर इंक्लूड रहता है। अकेडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में आप मॉक टेस्ट, पीडीएफ, फ्री नोट्स वगैरह कई सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो हर वीक एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, और इस टेस्ट के अंदर अभी जो नंबर 1 है उनको 50% और 4 नंबर से लेके 2500 नंबर तक है उनको 25% डिस्काउंट प्लस क्लासेस के ऊपर, प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल सकता है। साथ ही T20 सीरीज अन अकेडमी की चल रही है, MBG के ब्रह्मा सीरीज, गुरु मार्गदर्शन सीरीज जिसमें मैं पॉलिटी आपको कवर कर रहा हूँ, MBBS विजय पथ एक नया सीरीज 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर आपके कई सारी स्पेशल क्लासेस होने वाली है। साथ ही 8 महीने का एक फाउंडेशन बैच और एक इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच, NCERT का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पे कवर किया जा रहा है। साथ ही 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और ये कुछ बैचेस हैं जून के अंदर और जुलाई के अंदर, जिसमें एक बैच जो है वो 19 तारीख से यहाँ पे शुरू होने वाली है, एक 21 और एक 22, ऐसे कई सारी बैचेस शुरू होने वाली है। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि पुराने प्राइस पर आप सब्सक्रिप्शन लें तो अभी जाकर आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेरा कोड पवन लाइव, इस कोड का यूज करना है, और अगर आप इस कोड का यूज करेंगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा 3 महीने, 6 महीने, 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीना और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीना आपको यहाँ पर एडवांस यहाँ पे बेनिफिट या एडिशनल यहाँ पर आपको बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। साथ ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज और आपके क्विज के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड पवन लाइव है वो यूज कर सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी का ये एक फोर्टनाइटली मैगजीन है, इट्स कॉल्ड द वर्चस, वो भी बहुत जल्दी प्लस स्टूडेंट को यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।